आज हमारी इस क्लास में हम फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और फॉर्मूले में हम आपके साथ पढ़ेंगे डेटा समराइजेशन फॉर्मूला, जिसमें हम बात करेंगे समीप वगैरह के। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद हम अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी देंगे करने के लिए समीप से। समीप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे एग्जाम्पल, आप पिवट टेबल इस्तेमाल कर, जैसे मान लीजिए मुझे नेम वाइज टोटल क्वान्टिटी चाहिए। ये लोग जनरली क्या करते हैं, पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं कि पिवट टेबल हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ द नेम रख दिया और यहाँ पे हमने क्वांटिटी को रख दिया, हमारे रिजल्ट यहाँ पे आ गया। लेकिन सेम चीज मुझे फॉर्मूला से चाहिए तो कैसे हो, सेम चीज फॉर्मूला से चाहिए तो यूज करते हैं सम इफ का फॉर्मूला। इक्वल सम इफ, सर प्लीज म्यूट कर लेंगे, शोर आ रहा है। सम इफ हमने बोला रेंज जहाँ पे हमें मैच करना है नेम को क्राइटेरिया और यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं, देखिएगा रेंज जहाँ पे आपको अपना क्राइटेरिया क्राइटेरिया जो नेम वगैरह है, जो क्राइटेरिया है जिसके टोटल करना है और जिस कॉलम का टोटल डाल दीजिए और फिर इसको नीचे कर। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आखिर इस हम जब पिवट हमें ये चीज को सिंपली करके दे रहा है तो फिर फॉर्मूले से ये करते हैं। फॉर्मूले से करने के रीजन है मतलब कि इंस्टेंस अपडेट, ऑटोमेटिकली अपडेट इसको बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर चेंज कर दिया, एंटर मारते ही यहाँ देखा वैल्यू चेंज हो गई, बट पिवट में ये चेंज नहीं होगा। इसके लिए पिवट में आपको रिफ्रेश करने पे ही चेंज होगा। सो इसलिए आप पिवट का इस्तेमाल करके समरी बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, समरी। चलिए समिफ को एक बार और दिखाता हूं मैं, थोड़ा सा जूम करके। मैंने यहां पे लिया इक्वल सम इफ क्राइटेरिया जिसमें मैच करना है, रेंज क्राइटेरिया रेंज हो गया और क्राइटेरिया हो गया एंड सम रेंज, रिजल्ट आपके सामने दिख जाए। इस तरह से सम इफ का इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन मान लीजिए मुझे अब मुझे क्या है कि इसमें ये देना है कमीशन देना है। कमीशन मतलब कि जो जिन्होंने ग्रेटर देन 20 का 50 का सेल किया है उनको हमें इंसेंटिव देना है। ग्रेटर देन 50 का सेल उनको इंसेंटिव देना है तो मुझे ये पता करना है कि आखिर टोटल इंसेंटिव बर्न कितना रहा है, टोटल इंसेंटिव बर्न कितना रहा है, मुझे इसका निकालना है। ओके, ताकि मैं यहां पे कर सकूं। तो इंसेंटिव मतलब कि मुझे उसका 2% या 10 रुपीज देना है। तो यहाँ एक कॉल हम सम इफ लगाते हैं। सम इफ हम देते हैं अपना क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज एंड क्राइटेरिया, रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ सिर्फ सम इफ का फॉर्मूला लगाया, इसमें तीन चीजें थी, सम रेंज, क्राइटेरिया, फिर क्राइटेरिया रेंज, सम रेंज और क्राइटेरिया। आप देख रहे हैं कि इसमें हमने जो फॉर्मूला जो नीचे का फॉर्मूला लगाया हूं मैं, नीचे का जो फॉर्मूला मैं यहां लगाया हूं, इस फॉर्मूले में मैंने जस्ट रेंज और क्राइटेरिया रेंज दिया। तो आपको याद होगा स्टार्टिंग जब क्लासेस स्टार्ट की थी उस समय मैंने बताया था आपको, हमारा जो डेटा है, हमारा फॉर्मूला है, उसमें दो तरह के मेंबर होते हैं, रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल। तो ये जो सम रेंज है ये हमारा ऑप्शनल है, सम रेंज हमारा ऑप्शनल। इसलिए डालने की जरूरत नहीं।
दूसरा ये तो ग्रेटर देन 50 हमने लिखा हुआ, लेकिन मान लीजिए इस तरह से 80 हो, 32 हो, इस तरह से तब क्या होगा? तब यहां हम सम इफ का फॉर्मूला देंगे। सम इफ के फॉर्मूले में रेंज हमने लिया और यहां हमने ग्रेटर देन का सिंबल के साथ एंड परसेंट लगा दिया। इस नीचे चेक इसी तरह से आप जो है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि नाम में ही मान लीजिए कि यहां पे हमारा पूजा है और नीचे मान लीजिए हम यहां पे कर देते हैं पूजा सर, यहां पे इंदर, यहां पे हम मान लीजिए पूजा का टोटल लेना है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं नॉर्मल सम इफ लगाता हूं, नेम को सिलेक्ट किया और इस पूजा को सिलेक्ट करता हूं, सम इफ दे दिया, तो क्या होगा कि इसमें पूजा सिंह या पूजा शर्मा ऐसे नहीं आए। आप चाहते आए तो आपको दोनों तरफ स्टार लगा, आप स्टार लगा के पूजा किया तो ये होता है एंड विद, मैंने पूजा लिख के स्टार लगाया तो होता है स्टार्ट विद, कि पूजा के बाद कुछ भी हो स्टार्टिंग में पूजा होना चाहिए। यहां पे क्या है कि पहले स्टार हो देन पूजा हो सकता है, राइट सर? पुनीत जी समझ में आ रहा है आपको? हेलो जी सर। क्या है कि इसमें नेम नहीं है, तीन डिजिट का कोड है, जैसे D10, F70, E70 इस तरह। तो मुझे क्या करना है कि थ्री डिजिट होना चाहिए, तीन बार क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब मैं यहां पे इक्वल सम इफ करूंगा और यहां पे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया और यहां पे सम रेंज। तो जो तीन क्वेश्चन मार्क थे उसका टोटल यहां निकल। Just three question mark. क्राइटेरिया मान लीजिए दो क्राइटेरिया है, मुझे पूजा का डीवीडी देखना है कितना परचेज किया गया है, पूजा डीवीडी। तो एक क्राइटेरिया के लिए आप यूज करेंगे सम इफ का फॉर्मूला, एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो तो यूज करते हैं हम सम इफ्स का फॉर्मूला, इक्वल सम IFS इफ्स। अब देते हैं सम, इसको थोड़ा देने का तरीका अलग है, हमें देना है इसमें सम रेंज, सम रेंज को दिया, फिर क्राइटेरिया वन रेंज। तो पहला क्राइटेरिया वन क्या है, हमारा नेम है तो हमने नेम को सेलेक्ट किया। क्राइटेरिया टू रेंज, दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा, दूसरा क्राइटेरिया मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया और क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया।
क्राइटेरिया 3, 4 आप इसी तरह से कर सकते हैं। क्राइटेरिया 2 रेंज, क्राइटेरिया 2 आ गया। और इसके अंदर भी आप ये पूरा जो है वो चीज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, पूरा इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ट्राई करके देखिए। उसके अलावा बात करते हैं, हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है। एवरेज नॉर्मल एवरेज निकालता है। एवरेज इफ आपका ए कर देता है किसी भी पर्टिकुलर, जैसे कि मान लीजिए मुझे नेम का चाहिए, तो हमने नेम को सेलेक्ट कर लिया और क्राइटेरिया हमारा पूजा है और हमारा जस्ट लाइक समिंग। और एवरेज में भी सारा जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। और मल्टीपल, आपके पास मल्टीपल नेम है तो उसके लिए एवरेज इफ्स का फॉर्मूला है, एवरेज इफ्स। अब यहाँ पे हम एवरेज का रेंज लेते हैं, क्राइटेरिया 1 रेंज, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2 रेंज, क्राइटेरिया। ऐसे आपको काउंट के फॉर्मूले हैं, काउंट के फॉर्मूले जान लीजिए। पहला काउंट का फॉर्मूला है जो कि सिर्फ नंबर को काउंट करता है। देन काउंट ए का फॉर्मूला है जो कि नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला है जो कि सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है। और फिर आपके पास काउंट इफ का फॉर्मूला है, जैसे मुझे पता करना है कि नीरज कितना बार है काउंट इफ, इसको कई बार बता भी चुके हैं आपको। काउंट इफ नेम में हमने नीरज को सेलेक्ट कर लिया, ऐसे मान। इस काउंट इफ पे भी सारा जो ग्रेटर देन, लेस देन और जो सिस्टम है वो सिस्टम यूज कर सकते हैं। और मल्टीपल कंडीशन के मुझे पूजा और डीवीडी कितना है उसका काउंट लेना है, तो काउंट इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। काउंट इफ्स क्राइटेरिया, यहाँ पे अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लीजिए, जो क्राइटेरिया आपका है। रेंज पहला, देन प्रोडक्ट, फिर हमने प्रोडक्ट को यूज किया, रिजल्ट 78 आपको याद दिख गया। उसी तरह से मैक्स का फॉर्मूला होता है। तो मैक्स का फॉर्मूला नॉर्मल मैक्स और मीन तो जानते ही है, लेकिन यहां आपके पास मैक्स इफ का फॉर्मूला मिलता है। मैक्स इफ्स का, मैक्स इफ्स, हमने मैक्स रेंज लिया, हमें क्वांटिटी का मैक्स चाहिए। क्राइटेरिया 1 हमारा पहला क्राइटेरिया यहाँ पे है, मेन, और क्राइटेरिया नेम, तो ये आपका मैक्स का। और मैक्स में भी एक पूरा मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है पुनीत जी, पुनीत जी, हाँ जी, सुन आया आपको? जी सर। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हम कल इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कल मैं 8-10 क्वेश्चन लाऊंगा, इसमें से 4-5 क्वेश्चन मैं करूंगा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सम इफ के ऊपर अच्छा सा पकड़ होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए, ठीक है ना? फिर हम कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट वगैरह है तो। नहीं है डाउट? चलिए, अच्छा, ओके, बाय, गुड नाइट।